सेकेंड ईयर बॉटनी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत छोटा सा टॉप चैप्टर है ये, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे पहले ये देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, फिर मेरिस्टेम और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फेजेस को डिस्कस करेंगे कि कितने फेजेस होते हैं ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं, और वो कंडीशंस जो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं उनको प्रोमोट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो रिक्वायर है। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की डेफिनेशंस को देखेंगे। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो एक फर्टिलाइज एग से एक मल्टी सेलुलर एडल्ट होने तक आती हैं। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे दोबारा से फर्स्ट पॉइंट पर नहीं लेके जा सकता। हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्ट गैमेट्स को फ्यूज करने के बाद जो है वो जो प्रोडक्ट बनती है उसको जायगोट कहते हैं। अब इस जायगोट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इसमें डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन होंगी तो दो टाइप्स के सेल्स बनेंगे, एपिकल और बेसल सेल। अब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद इनके जो ये एपिक्स और बेसल के सेल हैं इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी और ये सस्पेंसर सेल्स बना लेंगे। फिर कुछ ऐसे सेल्स बना लेंगे जो शूट की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, कुछ रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। फिर क्या होगा, ये एम्ब्रियो जो है जो जायगोट के बाद बना था इनिशियल स्टेटस से, ये अब मैच्योर होने लग जाएगा। मैच्योर होने लगेगा तो इसके अंदर प्रॉपर शूट और रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये और मजीद डिवाइड होकर एक मल्टी सेलुलर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चेंजेस जो एक मल्टी सेलुलर जायगोट से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जितने भी चेंजेस आएंगे उसको डेवलपमेंट कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर एक बार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया है तो वो दोबारा से जायगोट में नहीं कन्वर्ट हो सकता। ग्रोथ किसे कहते हैं? अब जो ऑर्गेनिज्म बना है, प्लांट बना है, उसकी जो बॉडी है उसमें इंक्रीज होना, चाहे वो साइज में इंक्रीज हो, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, या वेट इंक्रीज हो जाए, या अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, तो ये ग्रोथ कहलाती है। ये एक जुवेनाइल स्टेज पर एक प्लांट है, इसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो रहा, फिर और बड़ा होगा, फिर ये एक मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा अपने। तो जो है चेंजेस आना एक स्मॉल साइज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर या लार्ज साइज में कन्वर्ट होना, वेट बढ़ाना, साइज बढ़ाना, फॉर्म चेंज कर लेना अपनी, ये ग्रोथ का प्रोसेस कहलाता है। ये भी इरिवर्सिबल है, एक बार अगर मैच्योर प्लांट बन गया तो दोबारा से वो जुवेनाइल में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अपनी तरह के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप जरूर कर सकता है, मगर खुद दोबारा से इस छोटे वाले प्लांट में नहीं कन्वर्ट होगा। ये मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम वो ग्रुप ऑफ सेल हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड होने के बाद जाहिर है कुछ नए सेल्स भी बनाएंगे। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो डिवीजन करा सकें जल्दी जल्दी, तो इसे हम कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली और लैटरल। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम्स को देखेंगे। वो मेरिस्टेम के ग्रुप ऑफ सेल्स यानी जो सिर्फ एपिसिस पे फाउंड किए फाउंड हो, शूट हो चाहे वो रूट हो, यानी कि उनके टॉप पे मौजूद हो, चाहे वो शूट की टॉप हो चाहे रूट की टॉप हो, तो उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो एपिसिस पे फाउंड होंगे उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। सेल क्या होंगे यहाँ पर, यानी यही मेरिस्टेम यानी एपिकल मेरिस्टेम के सेल, ये स्कैटर्ड होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे, थिन वॉल होंगे ताकि भाई फर्दर इनके अंदर डिवीजन हो सके और नए सेल्स बन सके। डेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, कंडेंस है ताकि जब डिवीजन हो सके तो वो एक सेल से दूसरे सेल में प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं? प्लांट की अपनी लेंथ को इंक्रीज करना, चाहे वो शूट की लेंथ इंक्रीज हो चाहे वो रूट की लेंथ इंक्रीज हो। तो प्लांट का अपनी हाइट को बढ़ाना, लेंथ को इंक्रीज करना, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचेस एंड फ्लावर। एक एपिक्स है, एपिक्स के बाद जो है वो इसकी फर्दर यहाँ पर दूसरी ब्रांचेस भी निकलेंगी, तो ये जो दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी तो जाहिर है यहाँ पर भी इनका एपिक्स कहलाएगा ये भी।
तो ये जो लेटरल ब्रांचेज है इनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। और हमने पढ़ा था कि शूट की जो मॉडिफिकेशन है वो ही फ्लावर कहलाती है, तो फ्लावर की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। जब लेटरल ब्रांचेज की ग्रोथ इंक्रीज करेगा तो वो बर्ड बनाएंगी, बर्ड से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम के फंक्शन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है, और लेटरल ब्रांचेस बनाएंगी और फ्लावर प्रेजेंट कहाँ होंगे, एपिसिस पे, चाहे वो शूट हो चाहे वो रूट हो। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगी, जो नोड नोड पे और इंटर नोड पे। नोड कौन सा रीजन है, वो रीजन जहाँ से कोई भी लीफ अराइज होगा। अब ये जो स्टॉक है लीफ की, इसको पेटियोल कहते हैं, तो वो रीजन जहाँ से कोई लीव अराइज होगा वो नोड कहलाती है। अब दो नोड है, एक ए नोड हो गई और एक ए नोड हो गई। इसी तरह यहाँ पर एक ए नोड है और ये नोड है, इन दोनों नोड्स के दरमियान का जो रीजन होगा उसको क्या कहेंगे, इंटर नोड। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगी, इस नोड और इंटर नोड के रीजन में। सर यहाँ पर भी स्कैटर्ड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, थिन वॉल होंगे, ताकि जब मैच्योरेशन का फेज आ सके तो वो अपने आप को इलोंगेट कर सके। डेंस साइटोप्लाज्म है, ताकि जब डिवीजन हो तो साइटोप्लाज्म प्रॉपरली डिवाइड हो सके। अब यहाँ जो है एपिकल मेरिस्टेम में जो है वो सेल स्कैटर्ड, थिन वॉल या डेंस साइटोप्लाज्म थे। यहाँ भी यही है कि स्कैटर्ड है, थिन वॉल है और डेंस साइटोप्लाज्म है। मगर यहाँ क्या होगा कि ये वाले सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज से। अगर यहाँ पर ये एक सेल की रॉज है और यहाँ पर दूसरी सेल की रॉज है, तो इनके जो ये मिडल पोर्शन होगा तो इस रीजन में कोई सी भी परमानेंट टिश्यूज आ जाएंगे, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, कोलेन्काइमा हो या स्क्लेरेन्काइमा हो। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि परमानेंट टिश्यूज से सेपरेट हो जाएं, उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये भी प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ये प्लांट है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, इतनी लेंथ है अब ये और बढ़ा देंगे इसको। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, ये तीसरी टाइप है इसकी। ये वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान में होंगे, ये एक वैस्कुलर बंडल है, जाइलम है, ये फ्लोयम है। अब इनके दरमियान में ये जो पर्पल कलर की आपको रिंग नजर आ रही है, ये लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम कहलाते हैं। इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं कि प्लांट का अपनी डायामीटर या गिर्ड को इंक्रीज करना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। वैस्कुलर बंडल में ये टिश्यूज जो है, अगर कैम्बियम के बिलो साइड पर है, कैम्बियम अगर वैस्कुलर बंडल में ये टिश्यूज हैं तो उनको कैम्बियम कहेंगे, और अगर एपिडर्मिस यानी कि ये वाली जो लेयर है इसकी जो इस साइड पर जो ये सेल प्रोड्यूस होंगे इनको फाइलोजिन ऑफ कॉर्क कहेंगे। है वही लेटरल मेरिस्टेम, मगर क्या हुआ जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो इनके नेम चेंज हो गए। अगर वैस्कुलर बंडल के दरमियान में है तो उसे कैम्बियम कह रहे हैं, ये वाले जो सेल हैं ये कैम्बियम कहलाएंगे। और अगर यही सेल जो है वो एपिडर्मिस के बिलो साइड पे, ये एपिडर्मिस है इसकी, अगर इस रीजन में यानी कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जो है ये डेवलप कर जाए तो इनका नाम चेंज हो जाएगा, अब ये फाइलोजिन ऑफ कॉर्क कहलाएंगे। ये एक डायग्राम है जो डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेम के टिश्यूज को डिफाइन कर रही है। पहली एपिकल मेरिस्टेम है जो एपिसिस पे फाउंड होगी, चाहे वो शूट हो चाहे वो रूट हो। फंक्शन क्या था भाई, लेंथ इंक्रीज करेगी प्लांट की, यहाँ से भी लेंथ इंक्रीज होगी और यहाँ से भी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, रूट्स में लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या फ़ायदा है भाई, ये एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा न्यूट्रिएंट या वाटर को। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि नोड्स में मौजूद होगी या इंटरनोड के रीजन में, ये हेल्प करेगी लीफ की फॉर्मेशन में और प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। लेटरल मेरिस्टेम जो वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान में होगी, इसका फंक्शन क्या था कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं, इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम, इन दोनों का फंक्शन प्राइमरी ग्रोथ है और इसका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। फेजेस क्या हैं ग्रोथ के, जब किसी भी प्लांट में ग्रोथ होती है तो डिफरेंट फेजेस या इवेंट्स अकर होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स हैं ये लोअर प्लांट्स हैं, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, यानी जाइलम और फ्लोयम नहीं होते, तो एक ही टाइप्स के सेल होते हैं और उनके अंदर क्या होती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सपोज कि ये अगर थैलोइड बॉडी है इसकी, तो यहाँ डिवीजन किस प्लेन में होगी, हर प्लेन से डिवाइड होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, तमाम रीजन से ये डिवाइड होगा। इसी तरह एलजी का पढ़ा होगा आपने, एलजी के अंदर भी ये वाले सेल्स जो है मेरिस्टेम के एब्सेंट होते हैं, सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल हैं, तो उसमें भी डिवीजन क्या होगी, तमाम प्लेन्स में होगी।
जो लुअर प्लांट्स हैं या एलजी हैं, इनके अंदर डिवीजन हर प्लेंस पे होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ मेरिस्टेम के सेल एब्सेंट होते हैं. अब जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर ग्रोथ के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज कौन सा है? फॉर्मेटिव फेज. फॉर्मेटिव फेज में थिन वॉल सेल होंगे, छोटे होंगे, स्कैटर्ड हुए होंगे. अगर एक सेल इस तरह है तो दूसरा वाला भी इसके साथ बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज है, तीसरे वाला भी इसके साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है. तो इस तरह ये ग्रुप बना लेंगे अपने सेल्स का. इलास्टिक होंगे, यानी कि ये इजीली जो है वो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे. डेंस साइटोप्लाज्म है, ताकि जब डिवाइड हो तो आधा आधा साइटोप्लाज्म इसमें, इस सेल में भी जा सके, इसमें भी जा सके. क्लोजली अरेंज यानी कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे. कहाँ ये भी एपिसिस पे फाउंड होगा, चाहे वो शूट की एपिसिस हो या रूट की एपिसिस हो. सेकेंड फेज कौन सा है? इनलोंगेशन फेज. इनलोंगेशन फेज जैसी ही फॉर्मेटिव फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद इनलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ क्या होगा कि सेल वाटर या मिनरल्स, जितने भी सोल्यूट्स हैं उसके अंदर, उन सबको एब्जॉर्ब करेंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू. अब क्या होगा कि अब वो नए साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे. नया साइटोप्लाज्म बनेगा, तो हमने पढ़ा था कि सेल जो फॉर्मेटिव फेज में बन रहे थे वो थिन वॉल हैं, इलास्टिक होना शुरू हो जाएंगे, खींचना शुरू हो जाएंगे, यानी अपने मैक्सिमम साइज पे अटेंड कर लेंगे. अगर कोई ये छोटा सा सेल है इस फॉर्म में है, तो अब इसने वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और अब वो खींचकर इस फॉर्म में आ जाएगा, इनलोंगेट हो जाएगा वो. इस फेज में क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं होंगे, मगर टर्जिट हो जाएंगे. टर्जिट कैसी कंडीशन डेवलप होगी? ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद इलास्टिक सेल वॉल इनकी इनलोंगेट होने लगी, यानी कि खींचना शुरू हो गई और ये अपने मैक्सिमम साइज में अटेंड हो गए. यानी जहाँ तक मैक्सिमम वो वॉल स्ट्रेच हो सकती थी वहाँ तक स्ट्रेच हुई और इन्होंने अपना एक प्रॉपर साइज अटेंड कर लिया. तो इस फेज में क्या होगा कि सेल सिर्फ और सिर्फ इलोंगेट होना शुरू होंगे. फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा सेल वहाँ डिवाइड हो रहे थे रैपिडली. इस फेज में आके क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन का प्रोसेस करेंगे. और यही इलोंगेशन का प्रोसेस अगर हम रूट में बात करें तो वो मिलीमीटर में होगा, और स्टेम में बात करें तो सेंटीमीटर्स में होगा. मैच्यूरेशन थर्ड फेज है इसका, या डिफ्रेंसिएशन फेज. जैसे ही फॉर्मेटिव फेज कंप्लीट होगा तो मैच्यूरेशन या डिफ्रेंसिएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ जो है इनलोंगेटेड सेल थे वो थिक होने लग जाएंगे, यानी अपने अराउंड जो है वो वॉल डेवलप करने लग जाएंगे. अगर ये एक सेल था जो इनलोंगेशन फेज से आया, तो यहाँ अपने अराउंड सेकेंडरी वॉल बनाना शुरू कर देगा, अभी थिक होने लग जाएगा. अब नॉन इलास्टिक है, ये मजीद जो है खींच नहीं सकते, बड़े नहीं हो सकते, मगर अब यहाँ क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने लग जाएगी, यानी सेल अपना प्रॉपर फंक्शन रिकग्नाइज हो जाएगा उसका, कि उसको क्या क्या काम करना है. सेकेंडरी फॉर्मेशन होगी और ये परमानेंट टिश्यूज, यानी कि कोई एक सेल था जो पैरेंट काइमा में कन्वर्ट हो गया, कोई दूसरा सेल था जो कॉलन काइमा में कन्वर्ट हो गया, कोई स्क्लेरन काइमा में हो गया, कोई जाइलम टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया, उसका प्रॉपर फंक्शन है कि वो वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. कोई एक सेल था जो फ्लोएम टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया, उसका फंक्शन क्या है कि अब वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा फूड की या मटेरियल की, मिनरल्स की. अब यहाँ पर वही है कि मैच्यूरेशन या डिफरेंशिएशन फेज है, मैच्योर होने के बाद इनका अपना अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन आ गया. ये LS है, एक रूट टिप का, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स दिखाए गए. ये इसका फर्स्ट फेज है जो कि डिवीजन या फॉर्मेटिव फेज था, ये इनलोंगेशन फेज है. यहाँ सेल देखें बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज थे. इनलोंगेशन में क्या हुआ, ये इनलोंगेट होने लग गए. मैच्यूरेशन में क्या हुआ, अब यहाँ पर ये मॉडिफाइड हो गए, जाइलम बन गए, फ्लोएम बन गए. जाइलम का फंक्शन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है. फ्लोएम का फंक्शन है कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा. कॉर्टेक्स का फंक्शन है कि यहाँ पर जो जितना भी फूड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा. एंडोडर्मिस का फंक्शन है, प्रोटेक्ट करेगी ये इसके वैस्कुलर टिश्यूज को. इसी तरह यहाँ पर जितने भी जो सेल्स थे जो पहले डिवाइड हुए, इलोंगेट हुए, अब वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन रिकग्नाइज हो जाएगा कि भाई इनको ये फंक्शन परफॉर्म करना है. जैसे एपिडर्मिस के सेल हैं, अब उनका ये फंक्शन हो गया कि भाई वो इस रूट को प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इंजरीज वगैरह से. सेकेंडरी ग्रोथ क्या है?
एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट का अपना सिर्फ और सिर्फ लैंड को इंक्रीज करना। दूसरी टाइप की ग्रोथ होती है प्लांट में, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट अपनी थिकनेस बढ़ाएगा, गिर्थ बढ़ाएगा या डायमीटर इंक्रीज करेगा, यानी चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाएगी उसकी। ये कैसे होती है? लैटरल मेरिस्टेम हमने पढ़ा था कि दोनों वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान में जो मेरिस्टेम होगी वो लैटरल मेरिस्टेम है, या उसको कैम्बियम भी कहते हैं। अब ये जो है एक्टिव हो जाएगी और ये सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगी प्रॉपरली। कैम्बियम सेल्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होती है। ये एक वैस्कुलर टिश्यूज है और ये जो सेंटर में सेल होंगे ये इसके कैम्बियम कहलाएंगे। सपोज करें कि ये जो कैम्बियम है वो इस पोजीशन में, यहाँ क्या होगी डिवीजन? रेडियली होगी, यानी कि ये अब इस पोजीशन में डिवाइड होगी, दो सेल्स बना देगी। दो सेल्स बना देगी तो यहाँ पर ये जाइलम सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी और यहाँ पर फ्लोएम की स्टार्ट कर देगी फॉर्मेशन। तो अब जो है इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होगी। जो कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर बंडल होगी उसको फेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। अब ये फेसिकुलर कैम्बियम नए टिश्यूज बना रही है आउटर और इनर साइड पर। आउटर इनर साइड पर जो बनेंगे वो सेकेंडरी जाइलम होंगे और आउटर साइड पर जो बनेंगे फ्लोएम के इनर साइड पे उनको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। अब क्या होगा, समटाइम के ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो रिंग बनेगी इनके दरमियान, एक बंडल से दूसरे बंडल के दरमियान, तो उसको क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से जो है वो रेज बनना शुरू हो जाएंगी पैरेन्काइमेटस सेल की। ये एक डायग्राम है, ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये जो इसके दरमियान में जो कैम्बियम थी उसको क्या नाम दे दिया? फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये दूसरा बंडल है, इसके पास भी फेसिकुलर कैम्बियम है। यहाँ भी जो डिवीजन स्टार्ट हुई थी वो रेडियली कैम्बियम सेल ने डिवाइड होकर नए सेल बनाना शुरू कर दिए थे। अब ये वाला वैस्कुलर बंडल की कैम्बियम और इस वाले वैस्कुलर की कैम्बियम, ये एक्टिव हो जाएगी मजीद और ये यहाँ पर सेल्स बनाना शुरू कर देगी। इन सेल्स को क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर बेसिकली बिटवीन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वो कैम्बियम जो दो वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान में होगी उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब यहाँ कौन से सेल्स बन रहे थे? फ्लोएम जाइलम के बन रहे थे और यहाँ कौन से सेल्स बन रहे थे? फ्लोएम के बन रहे थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन हो जाएगी। सपोज ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये इसके अंदर कैम्बियम के सेल्स हैं, यहाँ पहले जाइलम के टिश्यूज पहले से मौजूद थे जिन्हें हम प्राइमरी जाइलम कहते थे। अब ये वाले सेल्स ने जो है रेडियली डिवीजन स्टार्ट कर दी थी, तो अब यहाँ कौन से सेल्स बनने लग जाएंगे? यहाँ सेकेंडरी जाइलम के सेल्स बनने लग जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी पहले प्राइमरी फ्लोएम मौजूद था, तो अब जब यहाँ सेल्स बनेंगे वो सेकेंडरी फ्लोएम बनने लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज बन जाएंगे। और ये कैम्पियम कौन सी थी? ये फेसिकुलर कैम्पियम थी। अब दो बंडल्स के दरमियान इंटरफेसिकुलर कैम्पियम होगी। अब जितने से ज्यादा टिश्यूज बनेंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के, उतनी ही प्लांट में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना शुरू करेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। अब जितनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट क्या करेगा? अपनी गिर्थ यानी डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। ये शूट है तो अब ये जो है वो थिक होकर इतना चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। यहाँ पर ये थोड़ी सी लेबलिंग गलत हुई हुई है, तो ये जो है ये जो इस साइड पे बनेंगे वो फ्लोएम है पर्पल वाले, ये जाइलम है, और ये जो है ये वाली जो बीच में लाइट ग्रीन कलर की रिंग नजर आ रही है ये कैम्बियम सेल्स है। कंडीशंस क्या हैं ग्रोथ की? भाई ग्रोथ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एक्सटर्नली इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि कोई टेम्परेचर का बढ़ना, इंक्रीज होना, कम होना, या लाइट का इफेक्ट हो गया, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी फैक्टर जो एक्सटर्नली किसी भी प्लांट पे इफेक्ट करेगा वो उसके एक्सटर्नल फैक्टर कहलाएंगे। पहला जो फैक्टर है उसको डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक टेम्परेचर की रेंज है जो 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस रेंज पे क्या होगा कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे हम तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन होगी। अब ये डिवीजन में कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स हमने पढ़ा था कि प्रोटीन नेचर होते हैं। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, जैसे कि 25 और
35 मिल जाएगा, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। इस पे क्या करेंगे एंजाइम्स, अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ होगी उसकी और अच्छी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। मगर समटाइम क्या होगा कि अगर इस 35 से भी हम ज़्यादा एक्सीड करते टेम्परेचर, तो वो जो इंजाइम्स यानी कि प्रोटीनेशियस कंपाउंड हैं वो डिग्रेड होने लग जाएंगे, अपनी एक्टिविटी लॉस कर देंगे। जब वो लॉस हो जाएगी उनकी एक्टिविटी इंजाइम्स के डिनेचर होने की वजह से, तो प्लांट में एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन होगी तो वो प्लांट अपनी ग्रोथ को डिक्रीज करना शुरू कर देगा, विल्ट होने लग जाएगा, वो मुरझाने लग जाएगा। तो उस प्लांट को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर पे ही अपनी स्पेसिफिक यानी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। कम से थोड़े से बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। मगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे टेम्परेचर को तो एडवर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो प्रोटीनेशियस कंपाउंड एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होने लग जाएंगे और फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा और फिर प्लांट में विल्टिंग अकर होने लग जाएगी। इसी तरह लाइट के भी कुछ इफेक्ट हैं। तो लाइट जनरली जो है वो 3 वेज पे इफेक्ट करती है प्लांट के। एक तो सबसे पहला है लाइट इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे हम, और लाइट ज़रूरी क्यों है, लाइट ज़रूरी इसलिए ताकि वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाए। फर्स्ट ईयर में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा कि एंटीना कॉम्प्लेक्स से जो है फोटो सिस्टम में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे पहले लाइट हिट करती है उन्हें और वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट में फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डिवीजन उतनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में मिली है, फोटोन के फॉर्म में। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड कर दें तो ये जो हमारे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं ये डीनेचर हो जाएंगे, इनको डिस्ट्रॉय कर देगी लाइट। जब पिगमेंट ये क्लोरोफिल ही डिग्रेड हो जाएगा तो जाहिर है उसकी फोटोसिंथेसिस भी डिग्रेड हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी। लाइट क्वालिटी भी अटैक इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ पे, जैसे कि रेड लाइट है, रेड लाइट में प्लांट जो है वो बेटर ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि सेल इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे और डिवीजन भी प्रॉपर वे में होगी। मगर अगर हम उनको ब्लू लाइट प्रोवाइड कर दें तो ब्लू लाइट में वो अपनी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं शो करते, सेल डिवीजन तो होगी मगर सेल इलोंगेशन जो है वो नहीं होगी उनके अंदर। इसी तरह अगर हम उन्हें अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट की प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों ही इनहिबिट हो जाएंगी। तो हर प्लांट को जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए ताकि वो अपने जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं उनको एक्टिवेट करवा सके। जैसे फोटोसिस्टम 1 में 680 लाइट चाहिए होती थी और वो एक्टिवेट होता था तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती थी। तो बेसिकली वो जो लाइट एक्टिवेट कर रही थी उस पिगमेंट को वो उसकी रेड लाइट होती थी, और अगर उसको और मजीद वेवलेंथ बढ़ाते जाएं तो इसकी ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे, सेल डिवीजन या सेल इलोंगेशन इनहिबिट होने लग जाएगी। इसी तरह लाइट ड्यूरेशन का भी कुछ इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे। फोटोपेरियोटिज्म पढ़ा था हमने कि प्लांट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक लाइट और नाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती थी, और ये लाइट और नाइट पीरियड क्या करती थी, इसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पीरियड पे इफेक्ट करती थी। फोटो पीरियड के बेस पे हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट भी पढ़े थे। शॉर्ट डे प्लांट थे जिनमें लाइट की रिक्वायरमेंट कम थी, कम लाइट में क्या होता था कि वो फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करते थे, अपने वेजिटेटिव पीरियड को कम करके रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट कर देते थे। इसी तरह जो है लॉन्ग डे प्लांट थे जिनमें लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। इसी तरह डे न्यूट्रल प्लांट थे जो कि इंडिफरेंट थे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था अपनी फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाने के लिए लाइट की। ऑक्सीजन नेसेसरी है रेस्पायरेशन के लिए, जितनी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी प्लांट के अंदर। अब यही ऑक्सीजन की अमाउंट हम और बढ़ा दें, मजीद हाई सप्लाई कर दें ऑक्सीजन की, तो ये इनहिबिट कर देगी ग्रोथ को। कैसे इनहिबिट कर देगी, क्योंकि इसके अंदर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन का। फोटो रेस्पायरेशन में क्या होगा कि अब ये ऑक्सीजन को इनटेक करने लग जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना शुरू कर देंगे, तो ऑक्सीजन भी रिक्वायर है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है,
फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है वो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं प्लांट के अंदर, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वाटर के साथ कंबाइन करके वो अपना फूड प्रोडक्ट या फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करेंगे और हेल्प करेंगे। इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या जिसमें ग्लूकोज या सक्रोज वगैरह बनना शुरू लग। वाटर भी रिक्वायर है प्लांट के लिए। वाटर होगा तो कुछ स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं प्लांट के अंदर जो इंक्रीज होने लग जाएंगे, अपनी एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। जैसे चिकपी में हमने पढ़ा था कि उसको इम्बाइब करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या होता है कि वो अपना साइज अटेंड कर लेता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह न्यूट्रिएंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। प्लांट को स्पेसिफिक टाइप्स के न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए। अगर इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी है। अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उनके अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ये मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नाइट्रोजन नहीं होगी तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे तो प्लांट में क्लोरोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। क्लोरोसिस किसे कहते हैं कि अगर ये लीफ है जिसके अंदर ग्रीन कलर है, अगर ये इसका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाए तो येलोइंग लीव स्टार्ट होने लग जाएगी। क्यों डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर जो है एक इंग्रेडिएंट नाइट्रोजन होता है, सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम आयन होता है इसकी रिंग के अंदर, और इस तरह यहाँ पर जो है वो चार नाइट्रोजन के आयन लगे होते हैं। तो ये क्लोरोफिल के रिंग का स्ट्रक्चर है। तो जब ये नाइट्रोजन ही नहीं होगा यहाँ तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट के अंदर क्लोरोसिस हो जाएगी, यानी येलोइंग ऑफ लीव स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल तो बन नहीं रहा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो जिसकी वजह से क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की भी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट पर कुछ सिम्टम्स अपेयर होने लग जाएंगे। अब वहाँ तो कम्प्लीटली प्लांट लीव जो है येलो हो रहा था, मगर यहाँ जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कुछ इंटरवीनल क्लोरोसिस के सिम्टम्स अपेयर होंगे, यानी कि ये जो इसकी वेन्स नज़र आ रही हैं आपको, ये ग्रीन ही रहेंगी, मगर ये जो इसके रीजन है वेन्स के दरमियान का, ये भी जो है वो येलो होना लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इंटरवीनल क्लोरोसिस हो रही है। इसके अलावा भी और बहुत से न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने प्लांट हार्मोन्स बताए थे आपको, केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। तो कुछ तीन हार्मोन्स हमने पढ़े थे कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन है। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है कि ये एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, यानी कि एपिक्स के सेल्स की ग्रोथ बढ़ाएगा, मगर ये वाली जो लेटरल ब्रांचेस है उनको इनहिबिट कर देगा। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या था कि डोर्मेंसी को ब्रेक कर देगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर में, और शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो डोर्मेंसी खत्म हो जाएगी और दोबारा से सीड जर्मिनेट हो जाएगा। जेनेटिक ड्वार्फिज्म को कंट्रोल करता है, अगर किसी प्लांट की हाइट शॉर्ट है तो उसको इनलोंगेट करवा देगा ये। इसी तरह साइटोकाइनिन, इसका फंक्शन क्या था कि सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया इसका, ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन क्या है कि भाई अगर एक पार्ट जो है वो प्लांट का ऑर्गन है उसकी ग्रोथ प्रमोट हो रही होगी तो दूसरे जो पार्ट है उसके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। अगर एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ हो रही है तो वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, इसे इनहिबिटरी इफेक्ट कहेंगे उसका। अब अगर उस एपिक्स के सेल को रिमूव कर देंगे तो फिर लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ प्रोमोट हो जाएगी, तो ये कंपनसेटरी इफेक्ट है। जैसे ये पोटैटो है, इसके ऊपर ये आइस बनी हुई है, आइस से क्या होगा कि यहाँ पर नई ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर इनके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो ये जो है इनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, इसकी स्टोरेज फॉर्म जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे कर रहे हैं तो ये जो इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं कि मैरिज टाइम डिफाइन करें, एपिकल मैरिज टाइम डिफाइन करें। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन है LS, ये डायग्राम जो है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनेगी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रिक्वायर है।